नीतीश प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, ममता बनर्जी सपने में आती हैं, अखिलेश देखते हैं तो केसीआर आते हैं, राहुल सपना देखते हैं तो नीतीश ममता सब आते हैं, तो फिर ये सपने वाला खेल है क्या? 2024 में एक अनार 100 बीमार, विपक्ष में कुटाई की स्क्रिप्ट तैयार, राहुल गांधी को प्रियंका नेता नहीं मान रही, नीतीश को ममता नहीं मान रही, अखिलेश नीतीश को नहीं, ये खेल क्या है? विपक्ष का कौन नेता बनेगा बलि का बकरा? मोदी से लड़ने वालों के लिए तैयार लेकिन लीडर की तलाश। पूरी रिपोर्ट सुनकर आप कहेंगे आईएएस बन जाएंगे, लेकिन ये सवाल नहीं समझ पाएंगे। नीतीश कुमार ने जोश में आकर गठबंधन तो तोड़ लिया, लेकिन अखिलेश भैया ने एक बयान से खेल कर दिया। नीतीश को लगता है कि वो पीएम फेस होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा नहीं होंगे। अखिलेश और तेजस्वी में रिश्तेदारी है, लेकिन सियासत की बात आते ही बयान अलग अलग हैं। अखिलेश ने कहा मैं तो ममता दीदी और केसीआर को पीएम फेस देखना चाहता हूं। तेजस्वी ने कहा पीएम के लिए नीतीश कुमार सबसे अच्छे उम्मीदवार, कांग्रेस में राहुल की मांग, कुछ नेताओं की प्रियंका की डिमांड, यानी मिक्स वेज नहीं, विपक्ष ने पीएम की कुर्सी को खिचड़ी बना डाला। एक साल पहले ही आपस में कुटाई की स्क्रिप्ट लिख डाली। नीतीश कुमार कह रहे हैं ना जी ना, मुझे पीएम नहीं बनना है, लेकिन नेताओं से बयान दिलवा रहे हैं हाँ जी हाँ नीतीश को ही पीएम बनना है, फिर ये खेल क्या है? पहले उपेंद्र कुशवाहा से बयान दिलवाया कि नीतीश का देश इंतजार कर रहा है, फिर तेजस्वी से कहलवाया कि नीतीश बेस्ट पीएम होंगे, फिर ये खेल क्या है? अखिलेश यादव ने दो दिन पहले साफ कहा साइकिल पर सिर्फ ममता दीदी, केसीआर और शरद पवार बैठेंगे, यानी नीतीश के लिए जगह नहीं, फिर ये खेल क्या है? नीतीश ने जब बीजेपी से नाता तोड़ आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो ममता, अखिलेश, केसीआर, शरद पवार किसी ने बधाई नहीं दी, फिर ये खेल क्या है? विपक्ष में मार होगी कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस में राहुल गांधी की डिमांड है, यानी एक कुर्सी और बैठने वाले 13 हैं, फिर ये खेल क्या है? यानी मोदी को हराना तो दूर की बात है, पहले ये तय करना होगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ेगा कौन। ममता बनर्जी खामोश हैं, केजरीवाल ने पत्ते नहीं खोले, डीएमके के स्टालिन का इशारा नहीं मिला, यानी ड्रामा अभी बाकी है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव तीनों नेता ओबीसी लीडर हैं, लेकिन अखिलेश ने साफ मना कर दिया कि वो नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते, यानी अगर बिहार में जातिगत जनगणना की मांग उठी तो यूपी आते आते फुस हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ममता दीदी के फैन है और ममता दीदी नीतीश के मुद्दे को हवा नहीं देंगी, इसीलिए ममता ने नया खेल शुरू कर दिया है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के लिए ममता बनर्जी का ऐलान है कि हर पंडाल को 60,000 की मदद की जाएगी और 11 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। ऐसा करके ममता ने साफ कर दिया है कि नीतीश टोपी वाली सियासत करें, ममता टीका वाली राजनीति कर हिंदू वोटर्स का दिल बहलाने वाली हैं। ममता बनर्जी अगर पीएम फेस होती हैं तो नीतीश कुमार का क्या होगा, फिर केजरीवाल और मायावती का क्या होगा? विपक्ष आपस में हारने वाला खेल खेलेगा। केंद्र में बीजेपी के बाद कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस पहले ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव और शरद पवार जैसे नेताओं को विपक्ष का चेहरा स्वीकार करने से इनकार कर चुकी है। अहम बात यह है कि इन सभी नेताओं की अपने राज्य में लोकप्रियता कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि कोई भी दूसरा नेता अपने से इतर दूसरे नेता के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये खेल क्या है? ममता बनर्जी को भरोसा है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप कर सकती है। टीएमसी के कुछ नेता कहते हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में और भी खराब प्रदर्शन करेगी, जबकि ममता बनर्जी एक बेहतरीन उम्मीदवार हो सकती हैं। तो पीएम फेस ममता होंगी, केजरीवाल का विपक्ष से कोई कनेक्शन नहीं है, वो बंदा खुद को मोदी मानता है, इसीलिए वो खुद को मोदी का विकल्प मानता है, फिर ये खेल क्या है? जनता ही समझा सकती है। आप बताएंगे कि आखिर खेल क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट।